हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आप लोग देख रहे हैं बोहरा पहाड़ी यूट्यूब चैनल और मैं हूं सूरज। सो गाइस, आजकल मैं अपने घर गया हूं, आप लोगों को पता है। और अभी टाइम हो रहा है 7:30 और आप लोग मौसम देख सकते हैं, धूप काफ़ी अच्छी आ रही है। और अभी यहां पे है मेरे साथ में लक्की। और गाइस, अभी देखते हैं आज के व्लॉग में क्या होता है। आपसे ये हमारा कल्लू है, खुश है बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह एक्सरसाइज भी कर रहा है, टाइम भी हो रहा है इसके एक्सरसाइज का। तो गाइस, अभी 8:30 हो गया है और आज जो है हमारा पानी कहीं टूट गया है या वहाँ पे पत्ते वत्ते लग गए हैं साथ पानी में, पानी बहुत ही कम आया है। तो गाइस, अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं, पहले देखते हैं पानी का क्या सीन है, क्योंकि हमारा पानी बहुत ही ज़्यादा दूर से आता है। अभी वहीं चलते हैं पहले, फिर देखेंगे आगे को क्या काम करते हैं आज हम। अभी हम लोग पहुँचे हैं जंगल में, यहाँ पे जो है चीड़ के जंगल होते हैं। और यहाँ पे जो है ये क्या कहते हैं, आग लग चुकी है पहले ही जब मैं पिछली बार घर आया था। और ये है हमारी पाइपलाइन है गाइस, ये इसमें से पानी आता है। और दो परिवार हैं, एक ये लोग और एक हम। भरद्दा लोगों का पानी तो अलग लाइन से जाता है, उनका तो थोड़ा नीचे से है। ये है हमारी लाइन और रोड है वहाँ नीचे और हम आ गए यहाँ। रोड है यहाँ, हम हैं यहाँ। तो गाइस, ये देख सकते हैं आप लोग, आजकल जो है हमारे यहाँ ठंड बढ़ गई। जिस दिन मैं आया था उस दिन मौसम अच्छा था, उसके बाद यहाँ पे दूसरे दिन से बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है। रात में, दिन, सुबह, शाम धूप आ रही है लेकिन फिर भी ठंडा हो रहा है। तो गाइस, और आज मैं जा रहा हूँ खनचियों एक बार फिर से। गाइस, इतना पानी आ रहा है, इतने पानी में क्या होगा, वहाँ तक तो चढ़ेगा भी नहीं है। और यहाँ से गाइस ज़्यादा है हमारा पानी, इस गधेरे में बहुत पानी है। बस हाँ गाइस, यहाँ पूरा हिसाब किताब इसका ख़राब हो गया है पानी का, ऊपर से इतना कम पानी आ रहा है। लक्की ने तो पूरे पाइप निकाल दिए। पानी ठीक कर दिया है हमने, अभी अब आने लग गया, देख सकते हैं प्रेशर बहुत अच्छा है पानी का, अब आएगा पानी। यहाँ भी हमने साफ सफाई अच्छे से कर दी है, अब आ रहा है पानी। गाइस, अभी 10 बजे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं खनचियों को। हम आ जा रही है निमंत्रण में गाइस, कल भी गई थी आज भी जा रही है। और यहाँ पे एक टैंक बनने वाला है, पानी का काम चला है। तो ये ढांचा जो है इसका आ गया है, ये दीपा है, दीपा और मैं जा रहे हैं खनचियों को। गाइस, अभी हम लोग अपने घर से निकल गए थे खनचियों, वही है हमारे घर से 20 किलोमीटर के लगभग। और अभी हम लोग हैं देवी थान वाले मोड़ में, यहाँ पे एक देवी मैया का मंदिर भी है। 10 बजे चल रहे हैं तो हम लोग पहुँच जाएंगे 10:30-11 तक पहुँच जाएंगे। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। और उसके बाद सीधे न्यूट्रल खनचियों को जाएंगे हम लोग। भाई साथ के इस ब्लॉग में आप लोग बने रहे मेरे साथ। परसों भी गया था मैं, उस दिन तो चाचा और चाची की एनिवर्सरी थी तब गया था। तो आज हम जा रहे हैं। तो गाइस, अब मैं जा रहा हूँ ओखलकंडा से नीचे को, मतलब ब्लॉक से नीचे को। और अभी गाइस चलान होने वाला था, हेलमेट एक ही है ना, तो फिर बच गया सुबह सुबह का टाइम था। अभी आज वहाँ पे चेकिंग चली थी ओखलकंडा में, चौकी है ओखलकंडा गाइस, खनचियों में थाना है। इस वजह से आजकल थोड़ा डर लग रही है, आजकल चुनाव का टाइम भी अभी होने वाला था, बच गया। वो लोग हमारे घर आए थे पर इसलिए कह रही थी चल जा, बच गया। यहाँ पे है दोस्तों राजकीय इंटर कॉलेज खनचियों का, ये चचा है हमारे। तो गाइस, ये टांडा वाली रोड है, हम लोग इसमें गए थे, हमें थोड़ा काम था यहाँ पे। खनचियों तो सामने है, हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे काम था, हम लोग गए थे यहाँ। दीपा भी चाचा के साथ जा रही है, क्योंकि दीपा भी आई थी ना मेरे साथ, और चाचा जो हैं बच्चों को लेके आए थे। बोर्ड के पेपर है ना, उत्तराखंड बोर्ड वालों के पेपर जो है हमारे यहाँ का सेंटर
सुरंग का सेंटर जो जाता है तो यही जाता है खंचियों। तो दो बच्चों को लेके आए हैं, उनका तो पेपर हो रहा होगा 10 बजे से 1 बजे तक का। ये टांडा वाली रोड है, आजकल तो अच्छी बनाई हुई है थोड़ी रोड। और वैसे भी हम चलते हैं फिर खंचियों। चाचा तो वहाँ पहुँच गए हैं, मैं तो अभी यही हूँ। कोई नहीं, हम भी पहुँच जाएंगे, खरामे खरामे चलेंगे हम। यहाँ के खेत देखो गाइस, कितने बड़े बड़े खेत हैं यार। ऐसे खेत होते ना हमारे यहाँ, सच में मज़ा आ जाता। हमारे यहाँ ऐसे खेत हैं नहीं। हमारे यहाँ ऐसे खेती नहीं है। तो ये है खंचों का मार्केट। ये चचा हैं, ये मेरे मामा जी हुए, मैं मामा जी भाई और नैने वो सब हजल बाद में देख लूँ। गाइस चचा थोड़ा नाराज भी हो रहे हैं। हम नाराज नहीं होते, हम दिल से खुश हैं। 1:30 बज गया दोस्तों, 1:30 बजे तक हम लोग खंचियों में ही हैं। जैसा देर कर रहे हैं, अब तो बच्चे भी बोर्ड का पेपर देके आ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं थोड़ी देर में। मुझे कुछ आगे दिख रहा है, ये कोला है नीचे। और यहाँ पे चचा भी पहुँच चुके हैं, चचा भी बड़ी देर में आ रहे हैं बच्चों को लेके। तो दोस्तों अभी मैं घर पहुँच गया था और मैंने खाना खा लिया है। मैंने कपड़े चेंज नहीं किए हैं, लेकिन खाना मेरे को भूख लगी थी बहुत तेज। तो गाइस अभी आज मेरे को अभी करना है मटर के खेत की सिंचाई, क्योंकि मटर सूख रही है, बारिश हो नहीं रही है। तो कपड़े बदल के फिर करते हैं मटर की सिंचाई। आजकल यहाँ पे हमारे घर में दिन में लाइट भी चली जा रही है, लाइट है ही नहीं, कल भी नहीं थी आज भी नहीं है, अभी आ जाएगी, शाम तक आ रही है। गाइस यहाँ पे अभी हम लोग मटर की सिंचाई कर रहे हैं। नीचे वाले खेत में हमने कर ली सिंचाई, अब हम इस खेत में आए हैं। मटर को पानी की सख्त आवश्यकता है गाइस। क्या कहते हैं, यहाँ पे बारिश तो हो नहीं रही है, बारिश ज़रूरी है मटर के लिए।